तो आपको $1 के साथ जो प्रॉफिट होगा वो $100 के हिसाब के साथ भी हो सकता है। यही बात समझाने का मकसद ये है कि जब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये सारा का सारा प्रॉफिट इतने कम टाइम के अंदर और इतना कम देखने के लिए मिलता है तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में आज हमारा पहला दिन है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग किसको कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं जिनको देख के हमने ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, उसके बाद आपको लॉट साइज किसको कहते हैं, यहाँ पर जो पिप का वर्ड इस्तेमाल होता है वो किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर जो लेवरेज इस्तेमाल होती है वो किन चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बाद GDP यहाँ पे आता है, और उसके बाद हमारे पास PPP होता है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर मुख्तलिफ सा और डिटेल के साथ। आने वाली वीडियोस के अंदर आप सब कुछ जो है वो सीखते रहेंगे टाइम बाय टाइम। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से सब कुछ नहीं समझाऊंगा, उसकी रीजन ये है कि आप अभी बिल्कुल बिगिनर है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल के साथ आज एक ही वीडियो के अंदर समझाऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं लगेगी भाई यंग फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता और टाइम के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी समझ भी आ जाएगी और आप बिल्कुल बिगनर से प्रो लेवल की तरफ जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स आप कर चुके होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुराद है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर आपकी जो डॉलर्स की जो करेंसी है आप उसके साथ यहाँ पर ट्रेड करते हैं। आप यहाँ पर इंडिया में हैं या USA में हैं या पाकिस्तान में हैं, कहीं पर भी हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू अपनी करेंसी के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों आपके लिए जरूरी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मिसाल के तौर पे आपके पास $100 है और आज के दिन आपने क्या किया, $100 दिए किसको भाई जान, आपने PKR करेंसी के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, मतलब कि अपनी PKR करेंसी 30,000 रुपये आपने दे दिए और वहां से बाय किए $100 जो कि आपकी कैश करेंसी हो सकती है या डिजिटल हो सकती है। मैं आपको फिलहाल समझाऊंगा कैश के साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा डिजिटल के अंदर भी, ठीक है। इस तरह अगर आपने फॉर एग्जाम्पल $100 की जो है वो आपने करेंसी बाय की या अपनी PKR करेंसी दे के आप जो भी कंट्री के अंदर हैं आपने अपनी कंट्री के हिसाब से अपनी करेंसी देनी है। अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो जारी बात है आपने INR देने हैं। PKR की बात करते हैं भाई, आपने $100 यहाँ से ले लिए और लेने के बाद आप चले गए हैं USA में या आप कहीं भी आप चले गए हैं कुछ टाइम के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर या उसके बाद या कुछ भी टाइम के बाद आप चाहते हैं कि आप उस करेंसी को दे दें और दोबारा से अपनी पाकिस्तानी करेंसी जो है वो ले लें, तो आप देखने के लिए मिलता है कि भाई जान जो डॉलर आपने दिए थे 30,000 दे के पाकिस्तानी करेंसी और आपने वहां से $100 हासिल किए, दोबारा जब आप वही $100 देते हैं तो आपको वहां से 30,000 से ऊपर अमाउंट मिलती है। वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, वो 30,200 हो सकती है, वो 30,000 से प्लस हो सकती है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है। इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जहां पे हम अपने डॉलर्स की या कंट्री की करेंसी के साथ बाय और सेल कर सकते हैं और वहां से हमें जो है वो प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डॉलर की प्राइस जो है ज्यादा होती है और कम होती है, ये किस वजह से होती है, डॉलर की प्राइस आपको पता है भाई ज्यादा होती है GDP के साथ, ठीक है, या फिर जब मुल्क पे कर्जा हो जाए तब यहाँ पर डॉलर की प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाती है, या फिर PPP की वजह से यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कोई एक ऐसी फैमिली है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी है और वो अपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर वो अपने खर्चा करती है या अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजारना चाहती है तो एक महीने का जो उसका खर्चा हो जाएगा वो नॉर्मली तकरीबन 30,000 के नजदीक हो जाएगा। अगर वही फैमिली इस तरह अगर USA में जाकर बैठती है, अदर कंट्री के अंदर जाकर बैठती है, अमेरिका के अंदर जाकर बैठती है और वहां पर अपनी नॉर्मल जिंदगी यानी कि एक गरीब लाइफ जो है वो वहां पर गुजारती है एक महीने के, तो वहां पर जो उसका खर्चा हो जाता है तकरीबन कमोपेश 3 लाख से प्लस या 3 लाख के अमाउंट वहां पर बन जाती है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है किसी और सिटी के अंदर जाना है, मतलब पाकिस्तान से अगर आपने मियाँ से मुल्तान या मुल्तान से आगे कराची जाना है तो जो आपका किराया लगता है बस का, ड्राइवर का, गाड़ी का, कुछ भी लगता है वो आपका फॉर एग्जाम्पल लग जाता है भाई जान यहाँ से 50,000 या 30,000 लग जाता है। अगर आप यही जाकर बात करते हैं USA या अदर कंट्री के अंदर तो वहां पे आपका वही जो यहाँ के 30,000 या 50,000 है अगर हम वहां की करेंसी के साथ इनको एक्सचेंज करके देखते हैं तो हमारी जो प्राइस बनती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। इसी को हम जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, यानी कि PPP कहते हैं। ये हमारी रेंट के अंदर हो सकती है, ये हमारी टैक्स के अंदर हो सकती है, ये हमारी प्रॉपर्टी या किसी भी और जो है सूरत में ये हो सकती है। इसी तरह लोग यहाँ पर फॉरेक्स में डॉलर्स के साथ ट्रेड करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो हमें मूवमेंट देखने के लिए मिलती है वो हमें बहुत कम मिलती है, मतलब कि 1% या 2% हमें देखने के लिए मिलता है डेली परसेंट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 300 के नजदीक 280 290 के नजदीक जो है वो हमारी डॉलर की प्राइस चल रही है,
जबकि ये पहले 80 रुपए 85 रुपए ठीक है इस तरह इसकी प्राइस थी। यही बात समझाने का मकसद ये है कि जब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये सारा का सारा प्रॉफिट इतने कम टाइम के अंदर और इतना कम देखने के लिए मिलता है तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करें। हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जबकि हमें काफी ज्यादा जो है वो वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें जबकि वहां पर जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम मिल रहा है, यहाँ पर हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग देती है भैया लेवरेज। अब लेवरेज का क्या मतलब है, लेवरेज हम जो है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर हमारे पास होती है। सबसे पहले हम जो है लेवरेज की बात समझ लेते हैं भाईजान, लेवरेज किसको कहते हैं, लेवरेज हमारे पास जो आते हैं वो मिलते हैं भाईजान पेयर्स के साथ ठीक है, और वो हमें देते हैं ब्रोकर्स। कुछ ब्रोकर्स जो है वो हमें देते हैं लेवरेज $1 के ऊपर $100 के साथ भी हमें लेवरेज दे देते हैं, और कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं वो हमें $1 के साथ $500 तक भी लेवरेज हमें दे देते हैं। अब लेवरेज को वर्ड क्यों यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमें जो है वॉल्यूम वो कम देखने के लिए मिलता है। वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर मैं बात करूं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा बाइनरी ट्रेडिंग की, स्टॉक मार्केट की, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो है कहां पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर तकरीबन $6 trillion की यहाँ पर डेली बेस के ऊपर जो है वो ट्रेड होती है। वॉल्यूम कम होने की रीजन ये है कि आपको जो मार्केट है वो जो वोलाटाइल होती है वो कम देखने के लिए मिलती है। मतलब कि अगर आज एक कॉइन की प्राइस $1 की प्राइस ₹300 है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन के अंदर उसकी प्राइस 200 के ऊपर या 150 के ऊपर या 250 के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको वहां पर जो है वोलाटाइल मिलेगा बहुत कम मिलेगा ठीक है। मतलब कि जो मार्केट अप और डाउन होती है वो कम होती है। वहीं पे हमें देते हैं ब्रोकर क्या देते हैं, हमें देते हैं लेवरेज। वो कहते हैं कि आप लेवरेज को इस्तेमाल करें और वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लें अपने कम फंड के साथ, यानी कि अगर आपके पास $1 भी है और वो कहते हैं आप $1 के साथ लेवरेज ले सकते हैं $100 तक, तो आपको $1 के साथ जो प्रॉफिट होगा वो $100 के हिसाब के साथ भी हो सकता है, और जो आपको वहां पर लॉस होगा वो भी $100 के हिसाब के साथ हो सकता है। वो आपके अकाउंट के अंदर जिस तरीके से फंड होगा उसी हिसाब से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। यही अगर आप लोग लेवरेज $500 के साथ लेते हैं तो आपका लॉस और जो प्रॉफिट है दोनों की दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं। अगर आपको यहाँ पर आपकी डायरेक्शन के अंदर आपकी ट्रेड जाती है तो आपको $1 लगाने के हिसाब से आपको $500 के ऊपर भी जो है आपको प्रॉफिट मिल जाता है। सिर्फ आपकी लेवरेज के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपने वहां पर लेवरेज दी होगी, और इसी हिसाब से यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपकी प्रिडिक्शन, अगर आपने जो एनालाइज किया वो यहाँ पर गलत हो जाता है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग करते वक्त हमारे पास जो है वो लॉट साइज होते हैं, और लॉट साइज के साथ हमारे पास यहाँ पर पेयर्स होते हैं जो कि हम पेयर्स के साथ ही लॉट को बाय करते हैं, यानी कि लॉट को खरीदते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें चार किस्म के जो है वो लॉट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद आता है मिनी, मिनी के बाद आता है माइक्रो, माइक्रो के बाद आता है नैनो। ये चार के चार हमारे पास यहाँ पर लॉट साइज होती है। यहाँ पर हमें यूनिट क्या मिलता है, प्राइस क्या मिलती है, किस हिसाब से हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं करेंसी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास USD/CAD है। यहाँ पे हमें जो है पिप मिलती है, पिप का मतलब है पॉइंट इन परसेंटेज, यानी कि अगर एक पेयर की वॉल्यूम की जो प्राइस है अगर वो 1.345 है, अगर हम यहाँ पे दो पिप ऐड करने की बात करें तो इसके अंदर जो वॉल्यूम के अंदर जो पॉइंट के अंदर जो हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे लास्ट के ऊपर हमारे पास 5 की जगह पे 2 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है इस पेयर के अंदर हमारे पास 2 पिप ऐड हो चुकी है, यानी कि पॉइंट इन परसेंटेज। और इसी तरह अगर हम 2 पिप कम होने की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1.348 की जो है वो प्राइस निकल के आएगी पेयर के अंदर, जिस तरह की मैं आपको पहले से यहाँ पर पेयर का नाम बता दिया है। तो अगर आप यहाँ पर पिप की प्राइस की कम और ज्यादा की बात करते हैं तो कमोपेश हमें 20 या 10 पिप वो ज्यादा और कम भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि हमारे ही कंट्रोल में होता है सब कुछ। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर हम लोग मार्केट की बात करें, कौन कौन सी यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग मार्केट है जहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है या जब वो ओपन होती हैं तो वहां पे मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा वॉल्यूम और एक बूम जो है वो देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आती है भाई अमेरिकन, उसके बाद आती है इंपोरियन, और तीसरे नंबर पे आती है एशियन। ये तीन जो ऐसी करेंसीज हैं जो कि 24 के 24 घंटे यहाँ पे ओपन रहती हैं। इसकी रीजन ये है कि जब एक मार्केट बंद होती है अमेरिकन वगैरह तो दूसरी वहां पर इंपोरियन करेंसी जो है वो ओपन हो जाती है। जब इंपोरियन बंद होती है तो उसके बाद जो एशियन करेंसी है वो वहां पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई भी आपका टाइम नहीं है कि आपने इस टाइम बैठ के ट्रेड करनी है या आपने इस टाइम बैठ के ट्रेड करनी है। जब आपका दिल करता है आप यहाँ पर बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार यहाँ पर जो है वो मार्केट बंद होती है, जिस तरह के वो छुट्टी होती है। हमें पता है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर भी जो रियल मार्केट है वो बंद होती है, सेम उसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी यहाँ पर जो मार्केट है वो बंद होती है। आपने यहाँ पर जो है वो ट्रेड वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं,
लेकिन जो मेन मार्केट्स होती हैं वो यहाँ पर बंद होती हैं, लेकिन जो कमोडिटीज मार्केट होती हैं जिस तरीके से ऑयल के ऊपर आ गई या फिर गोल्ड के ऊपर आ गई, इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं वो ओपन होती हैं, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर मेन मकसद था आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ हिंट दे देना, फॉरेक्स ट्रेडिंग किसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पर जो डॉलर्स के साथ पीपीपी लगते हैं या पीप लगते हैं या लूट साइज लगता है या लेवरेज लगती है या लोड लगती है, ये सारे के सारे यहाँ पर कौन से वर्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, हमें किन किन तरीकों से यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, मैंने आपको कुछ यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन बता दी है, कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल के साथ। आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट को वेरीफाई किस तरीके से करना है, कौन से ब्रोकर्स के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाता रहूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही कुछ समझाऊंगा और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिगनर टू प्रो लेवल और प्रो टू एक्सपर्ट लेवल का यहां पे कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भाई जान वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया।